प्रदेश के अलीराजपुर जिले के शोरवा थाने में अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है, जहां 240 सोने के सिक्कों की चोरी का आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने टीआई सहित अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वहीं आवेदन देकर आरोप लगाने वाली गांव की महिला कह रही है कि पूर्व में गुजरात के एक पुराने घर को तोड़ने में कर रही मजदूरी कार्य के दौरान यह सिक्के मेरे परिवार को मिले थे और मैं अपने घर के गड्ढे के अंदर गड़े रखे हुए थे, जिसकी भनक कहीं से पुलिस को लगी तो उन्होंने जबरन दबाव बस मारपीट कर हमसे छीन लिए। अब जांच के बाद पर्दा उठेगा कि पुलिस चोर है या आवेदन देने वाली महिला की मनगढ़ंत कहानी है। फिलहाल जो टीआई का वीडियो सामने आया है उससे पूरे एमपी के पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनते हुए हड़कंप मचा है। जय हिंद दोस्तों, मैं सस्पेंडेड निरीक्षक विजय देवड़ा, मैं सोंडवा थाने पर पदस्थ था। अभी वर्तमान में आपने सारी न्यूज़ चैनल पर चोर पुलिस देखा होगा। विभाग ने मुझे आज चोर घोषित कर दिया है। 19 तारीख को मेरे बच्चे का जन्मदिन था, जिसके चलते मैंने 18 तारीख को एसपी साहब से छुट्टी ली थी। 19 को मुझे आना था, मैंने अपनी रेगुलर आरटी कॉल अटेंड की। मुझे कहीं से सूचना मिलती है कि फलाना फलाना गांव में दो घरों में शराब रखी है। पहले स्टाफ को भेजा, फिर मैं गया, मुझे शराब नहीं मिली, कुछ महिलाएं मिली। मुझे छुट्टी की जल्दी थी, मैंने उनको बोल दिया ठीक है आप अपने पतियों को थाने भेज देना। ऐसा बोल के मैं आ गया। फिर रेगुलर जैसा मैंने शांति सुरक्षा की बैठक भी की, फिर श्रीमान पुलिस अधीक्षक को अवगत कराकर मैं छुट्टी पर रवाना हो गया। अगले भी दिन मेरे को खबर आती कि सर वहाँ सोने के सिक्के थे, आप लोग चुरा के ले गए। दिन भर फोन आता है और लोग इकट्ठे हो जाते थाने, कुछ जनप्रतिनिधि वो जनप्रतिनिधि, किसी का एनओसी नहीं मैंने पास किया, किसी का डंपर नहीं छोड़ा, कोई टैंकर बेच के चोरी की एफआईआर चाह रहा था वो नहीं करी। वो इकट्ठे हो जाते हैं और महिलाओं को बोलते हैं पुलिस घर में आई, खुदाई की और ले गई। धन्यवाद मेरे विभाग का, जिन्होंने एक बार भी उन महिलाओं से यह जानने की कोशिश नहीं की कि सिक्के वो कहाँ से चुरा के लाए थे, जो पैटर्न ने उन्हें हमको बनाया कि वो पैटर्न कहाँ से करके लाए थे और सीधा पुलिस से हमें चोर बना दिया। उसके बाद रातों रात बुलाया, मेरी वर्तमान में वाइफ प्रेग्नेंट है, छोटा बच्चा है। बड़े बड़े मामलों में पुलिस जांच में ले लेती है, क्योंकि पीछे बैक सपोर्ट होना चाहिए। और जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि या ऐसे व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि होकर गुंडागर्दी करते हैं, अवैध कार्रवाई करते हैं, अवैध धंधे करते हैं, उन पर कार्रवाई करती है, उसके लिए पुलिस त्वरित कार्रवाई कर देती है। एक आवेदन पे से बगैर जांच, बगैर स्पष्टीकरण सीधी एफआईआर कर देती है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम चोर नहीं हैं, और मैं वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जांच अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक या उनके किसी सबऑर्डिनेट से न कराई जाए और जो वास्तविक चीज हो वही की जाए। किसी के जनप्रतिनिधि के कहने पे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अनावश्यक जो जबरदस्ती कुछ भी करके न करा जाए। और एक मैं 12 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जब तक मैं चोर साबित ना हूँ मुझे चोर ना समझाए। जय हिंद दोस्तों।